औरंगाबाद के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार अतुल सावे ने भी महाराष्ट्र की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। तो बातचीत के दौरान अतुल सावे ने कहा कि पार्टी सिर्फ जनता के लिए ही काम करती है, इसलिए जनता नरेंद्र मोदी सरकार पर पूरा विश्वास करती है। महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार आज अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और सभी पार्टियां बड़े जोर शोर से सुबह से आज अपनी प्रचार सभाओं में लगी हुई। ऐसे में महाराष्ट्र पूर्व से अतुल जी सावे बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है अतुल। बोलिए अतुल जी, हमारा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी और शिवसेना का 25 साल से गठबंधन था और एक ही मुद्दे पे दोनों राजनीतिक करते थे, अभी पार्टी अलग हो गई है और मुद्दा एक ही है, ऐसे में आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं? जनता विकास के तरफ ध्यान देगी। अब की बार सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, कांग्रेस भी जो पहले एक साथ लड़ रही थी वो भी दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, शिवसेना बीजेपी भी अलग लड़ रही है, इसलिए पब्लिक जो आज जनता है और मतदार है वो अभी सोच के मतदान करेंगे, जिसका काम अच्छा है उसको जरूर वोट करेंगे वो। आप जनता के लिए कौन सा मुद्दा लेके आए चुनाव में? आज इस शहर का विकास जो पिछले 15 साल से रुका हुआ है, बेनी जैसे मैंने बोला कि इस शहर के 80 से 90 के समय में ये शहर एशिया खंड में सबसे जोर से ग्रो होने वाला शहर था, बट इस शहर में पिछले 15 साल में कोई भी विकास हुआ नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं हुआ है, पर्यटन क्षेत्र मतलब टूरिस्ट सेंटर में नहीं हुआ है और शिक्षण क्षेत्र में भी नहीं हुआ है, तो इन तीनों क्षेत्र में हम विकास करके दिखाएंगे। लेकिन अतुल जी, ये तो सभी पार्टियां यही मुद्दा सामने लाती है, तो लेकिन आकर जनता विश्वास करे तो किस पे करे? आपने 15 साल एक को दिया मौका, एक मौका हमको देखो देखो, उसके बाद हम बताएंगे कि 5 साल में हम किस तरीके से काम करते हैं। और खास करके महिला भी इस चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो आपकी तरफ से महिलाओं के लिए क्या नियोजन रखा है? पहले महिलाओं के लिए हम आज इंडस्ट्रियल एरिया में अलग से महिलाओं के लिए और एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे महिलाओं के लिए कि सेल्फ उद्योजक मतलब और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद की एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग सेंटर एक खोलेंगे हम। आपके पिताजी भी कई पहले यहाँ के सांसद थे, तो क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी का क्रेडिट भी आपको मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, मेरे पिताजी की पुण्या ही है, मेरे नाम के पीछे अतुल मोरेश्वर सावे ये नाम है और उन्होंने किया हुआ काम जब सभी को मालूम है, तो उनके पीरियड में जो काम हुआ है उसका मुझे डेफिनेटली मिलेगा। और ये जो युवा आपके साथ में जुड़े हुए, तो युवाओं के लिए खास करके क्या है? युवाओं के लिए मैंने बोला ना, सबसे पहले आज जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी आज यहाँ पे पिछले 10 साल में कोई नई इंडस्ट्री आई नहीं, जुलाई महीने में MIDC ने 1250 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, अगर वो 1250 उद्योग इस शहर में आते हैं तो एक यूनिट में अगर 100 आदमी भी पकड़ो तो 12500 युवकों को जॉब मिलता था। मेरा आखिरी सवाल अतुल जी आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि अभी भी मोदी लहर चालू है? हाँ, 100% चालू है, मोदी जी सारे युवक आज मोदी जी के फैंस है और मोदी जी ने जो 4 महीने में काम किया है वो काम को देखते हुए लोग आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के पीछे जोर शोर से है, महिला रहो युवक रहो सारे उम्र मतलब बच्चे से लेके मतलब दादा तक सभी लोग आज, अब की बार आप छोटे से बच्चे को पूछो 4 साल के तो अब की बार, और 85 साल 90 साल के आप बूढ़े से भी पूछो तो अब की बार मोदी सरकार वाली ही बात करते हो। लेकिन महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। ओके धन्यवाद। भाजपा आज देश भर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है और विकास का मुद्दा लेके हम काम कर रहे हैं और इस शहर का विकास होके रहेगा, ये आपको मैं वचन देता हूँ। ओके धन्यवाद अतुल जी। तो इस शहर का विकास होके रहेगा। कैमरा पर्सन धनंजय सोनार के साथ मैं BM राठौड़, औरंगाबाद सुदर्शन न्यूज।